मोना सिलाही समेत दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तोसी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मोना सिलाही समेत दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है, जिसमें अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तोसी कर दी है। आपको बताएं कि मोना सिलाही समेत दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा है। मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की जमानत कबलत गिरफ्तारी पर समाप्त हुई है। मजीद इसकी क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। बिल्कुल, लाहौर की बैंकिंग जुराइम अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। मोना सिलाही के शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी अदालत में अबूरी जमानत खत्म होने पर अदालत में पेश हुए और इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह बताया कि मुलजमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने दोनों मुलजमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए उनकी अबूरी जमानत में तौसीक कर दी और आइंदा समाअत पर FIA से तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया।